हाय गाइस, दिस इज मी सुमित एंड आप देख रहे हैं सुमित टेक न्यूज। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले अपना जो पेटीएम है, पेटीएम वॉलेट है हम यूज़ करते हैं जो। तो कभी कभी पता है क्या है, पेटीएम पे काफ़ी लोग पैसा भेजते हैं, दोस्त लोग या फ्रेंड लोग या काफ़ी मतलब दूर से कोई पैसा भेजता है पेटीएम पे। तो क्या है कि जो पेटीएम का पैसा है वो पेटीएम पे रह जाते हैं, तो अपने बैंक पे ये कैसे ला सकते हैं फ्री में? वैसे तो लाया जा सकता है, बट उसका जो चार्जेस है 100 रुपये में 3 रुपये करता है। तो कैसे हम फ्री में ला सकते हैं अपना बैंक अकाउंट पे पैसा, इसके लिए बात करेंगे आज इस वीडियो पे। ओके, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए एंड आपको समझ में आएगा कि आप फ्री में कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेटीएम है, तो आप अगर पेटीएम अपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है या रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेटीएम है, यहाँ पे लॉगिन हुआ है और यहाँ पे मेरा पासबुक देख लेते हैं। अभी फिलहाल मेरे पासबुक में पैसा नहीं है क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था, कॉल ही मैंने ट्रांसफ़र किया है अपने बैंक पे। तो आप भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्री में। ओके, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस देख सकते हैं, 1 रुपीज़ है बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे ब्रश हो गया, यहाँ पे माय ऑर्डर से कल मैंने ट्रांसफ़र किया था। ओके, तो यहाँ पे दिखा देगा शायद। ओके, जैसे कि मेरा ट्रांजेक्शन कुछ है वैसे देख सकते हैं। तो आप फ्री में कैसे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको, तो देख लेते। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेटीएम, यहाँ पे पे क्लिक करके आप पे कर सकते, मतलब किसी भी शॉप पर आप कुछ खरीदे पे कर सकते हैं बार कोड स्कैन करके, या आपके यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बस उसके लिए आपका क्या है, पेटीएम का जो चार्जेस है वो चार्जेस करता है, और यहाँ पे ऐड मनी भी कर सकते हैं अब यहाँ पे डायरेक्ट। और अगर यूपीआई के थ्रू से आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका बैंक से डायरेक्ट काटता है पैसा, आपका पेटीएम जो वॉलेट है पैसा रह जाता है पेटीएम वॉलेट का। तो इससे कुछ मतलब हमारा पेटीएम का जो पैसा है मतलब फ़ायदा नहीं होता, पेटीएम का जो पैसा है वो आपके पेटीएम से रह जाता है। यूपीआई से करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो डायरेक्ट बैंक से काटेगा, डायरेक्ट वॉलेट से नहीं काटता है। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्ट मनी मतलब कोई अगर ट्रांसफर करेगा तो आप अपना बैंक पे ला सकते हैं या पेटीएम पे आता है, बट ये बेसिकली पेटीएम पे आता है, पेटीएम का जो वॉलेट है वहाँ पे आता है मैंने देखा है। मेरा तो फिलहाल मुझे मतलब बैंक पे आया ही नहीं, तो उसके लिए बात नहीं करेंगे। तो आप मतलब बैंक कैसे ट्रांसफर करेंगे बैंक पे ये मैं बताऊँगा। ओके, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आपको क्या करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, इसका नाम है पेटीएम बिजनेस। ओके, यहाँ पे मेरा डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और सेम नंबर पे रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब जिस नंबर पे आपका पेटीएम रजिस्टर है उसी नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे सर्च करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे आप पेटीएम रजिस्टर करते हैं उसमें ही वैसे रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे अभी यहाँ पे अपडेट भी करे, बट अभी अपडेट नहीं करूँगा, फिलहाल आपको दिखा देता हूँ कैसे आप अपने कर सकते हैं। तो आपका अपने आप डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करिए, ओपन करने के बाद मतलब जो प्रोसेस है वो रजिस्टर करिए, उसके बाद आपको एक बारकोड मतलब केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको एक बारकोड मतलब ऐसे बारकोड मिल जाएगा आपको, जैसे कि शॉप पे लगा रहता है आपको देखा होगा पेटीएम कोड, पेटीएम कोड लगा रहता है बस स्कैन कोड, तो वैसे आपको कोड मिल जाएगा यहाँ पे प्रोफाइल पे देख सकते हैं आप आके। आपको केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, केवाईसी कंप्लीट कर सकते आप, आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड से आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा है टिप, जैसे कि ये मेरा बारकोड है देख सकते हैं, ये मेरा नाम है सुमित कंप्यूटर, जैसे कि मेरा एक शॉप है तो शॉप के नाम से रख लिया मैंने, तो आप भी रख सकते हैं, मतलब आपके पास नहीं है बट फिलहाल डिटेल्स भरने के टाइम आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट आप कर सकते हैं। अगर आपने केवाईसी कंप्लीट कर दिया होगा फिर आपके पास ऐसे शो होगा, बारकोड आ जाएगा, बारकोड का आप डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा दूसरा है पेटीएम बिजनेस है जो मैंने अभी लिया, यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हैं आप, मैंने ट्रांसफर किया था मनी तो देख सकते हैं, दिखा देता हूँ आपको, देखिए मेरा ट्रांसफर 23 का ट्रांसफर यहाँ पे
जो है बैंक में आ जाता है और कोई चार्जेस नहीं करता है। जिसमें मैंने 37 ट्रांसफर मतलब पेटीएम से ट्रांसफ़र किया था, वैसे में 3700 आ गया अपना अकाउंट पे। तो कैसे ट्रांसफ़र करना है आपको यहाँ पे जाके दिखा दो। जैसे आपको पेटीएम ओपन करना है, पेटीएम ओपन करने के बाद यहाँ पे जाना है। पे जाने के बाद आप जैसे कि अपना स्क्रीनशॉट लिया, आप दूसरे मोबाइल से भी ट्राई कर सकते हो। मतलब आपके पास दो मोबाइल हो तो उस मोबाइल से डायरेक्ट स्कैन करके बारकोड दे सकते हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे मैंने जो अभी स्क्रीनशॉट लिया है वो डायरेक्टली यहाँ पे शो करूंगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ये आसान तरीका है। और अगर आपके पास दो मोबाइल है तो सही है, आपके दो मोबाइल से उस मोबाइल से पेटीएम बिजनेस ऐप लॉगिन करिए और उस मोबाइल से अपना पेटीएम लॉगिन करिए। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डालना है, अमाउंट डालने के बाद पे पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका 24 आवर्स के अंदर आपका जो पैसा है वो अकाउंट पर चला जाएगा, कोई चार्जेस नहीं कटेगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ट्रांसफ़र किया है, पैसा नहीं काटा है। और नया जो मतलब एक नया रूल आया है, 1.5% GST चार्जेस लगेगा, बट अभी तक मेरा चार्जेस काटा नहीं है, मतलब अभी तक चालू नहीं हुआ है वो, बट दिखाया गया कि 1.5% GST चार्जेस लगेगा। ओके, तो वैसे आप अपना पेटीएम पे पैसा फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक अकाउंट में पेटीएम UPI वॉलेट से। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वैसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।